सिस्टर जी आपको कैसा लगा, आप कराची से चल के आई हैं हमें मिलने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा महसूस हो रहा है अपना पंचायत से कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की हिम्मत को सलाम है कि आप लोग रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। व्यूअर्स, हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, देश हैं प्रदेश हैं हर किसी की अल्लाह पाक लंबी उम्र करे, आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और व्यूअर्स, आज का व्लॉग में बड़ा स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए। आज का व्लॉग व्यूअर्स ऐसे स्पेशल होने वाला है कि एक माँ जी है, वो डीजी खान की रहने वाली है, उसने कुछ दिन पहले रब्ता किया था, हमारी वीडियो से नंबर उठाया था और उसने रब्ता किया था कि बेटा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उसे मैंने कहा था माँ जी जब आपने आना हो तो हमें बता देना, तो कोई बात नहीं है। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन, तो उसने आज ही रब्ता किया कि बेटा मैं आ रही हूँ आपको मिलने के लिए और मेरे पास एक मेहमान आई हुई है कराची से, उसको भी बहुत ही चाह है आपसे मिलने का, तो वो ये भी आपसे मिलती हैं और मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ और मैं मतलब हम दोनों आ रही हैं आपसे मिलने। तो व्यूअर्स आज हम उनका वेट कर रहे हैं, शाम तो हो चुकी है लेकिन वो आ रहे हैं क्योंकि सफ़र काफ़ी है, तो अब हम उनका वेट कर रहे हैं, जैसे ही आते हैं तो आपसे भी मुलाकात करवाएँगे। और बेगम साहिबा ने चाय का बंदोबस्त किया हुआ है, ये देखें खाला के घर से कप वगैरह सब कुछ इंतज़ाम इसने करके रखा हुआ है, और जैसे ही आएंगे बेगम साहिबा चाय बनाएगी, अब उनका वेट हो रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वीवर ये देखें माँ जी और सिस्टर जी पहुँचे हैं यहाँ पे, इनका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, तो माशाल्लाह ये इधर आ चुकी हैं। मुझे माँ जी बेटा ही बुलाती हैं और मैं माशाल्लाह आज हम बहुत खुश हैं, सिस्टर जी के बेहद शुक्र गुजार हैं, सिस्टर जी कराची से चल के इतना सफर तय किया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी। वालेकुम अम्मा जी, सलाम थी गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक खैरियत है, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओए आप तो परेशान हो गई, क्या हुआ है? वो ना मम्मा का पैर देख के परेशान है, वो चल नहीं सकती। सबसे पहले टाइम बहुत ही कम है, आप चाय लगाओ। अच्छा व्यूअर्स मैं बताता चलू, सिस्टर जी खुद गाड़ी ड्राइव करके आई हैं, गाड़ी जो है सामने नज़र आ रही है और माशाल्लाह माँ जी सिस्टर जी हम इन दोनों के बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें इतना काबिल समझा और वहाँ से चल के आई हमें मिलने के लिए, ये इनकी मोहब्बत है। और बेगम साहिबा से ये देखिए जी, बेगम साहिबा आपने काम में ठीक लग गई, पानी पहले मैंने चाय बोल दी थी, कप वगैरह और चाय का इंतजाम बेगम साहिबा ने पहले कर रखा था। हाँ जी बेटा, हाँ चुप, एक मिनट चुप करो आप। अच्छा जी बेगम साहिबा चाय ले आई और बिस्किट माशाल्लाह। सिस्टर जी सबसे पहले मैं आप ये ना सोचना कि भाई सवाल कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कराची बहुत दूर है, सुनते हैं कभी गया नहीं कि काफ़ी दूर है, और आपका सफ़र कैसा रहा आप जीतने सफ़र से? भाई सफर बहुत अच्छा रहा, आपको पता है 10 से 11 घंटे का सफर होता है। हाँ ये बात, तो बीच में गाड़ी भी खराब हुई। अच्छा मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम, चलो अल्लाह पाक खैर करे। नहीं नहीं अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ना करें, मेरी अम्मा जी मेरी बात सुने, मैंने आपसे पहले पूछा कि माँ जी मैं खाना तैयार करवाता हूँ और आप लोगों ने कहा चले, मोहब्बत है माँ जी की, ये मोहब्बत है, मोहब्बत ना ठुकराया करें। और बाकी इन्होंने ये तो गलत किया कि मैंने खाने का कहा और इन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं मंगवाना और कुछ भी नहीं करना, तो ये आप लोगों की ना बात थोड़ी सी मुझे वो हुई है, चले कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल खाना रास्ते भी हमने खा लिया था। अच्छा कोई बात नहीं, अब बैठे यार, आप तो काफी टाइम की परेशान हो गई हैं, बैठे हैं माँ जी के साथ गप, अम्मा जी के साथ गपशप कर रहे हैं, सिस्टर के साथ गपशप कर रहे हैं। और बेटा ठीक हो, खैरियत से हैं? बच्चे कैसे हैं आपके? ठीक, वो मैंने उनको अंदर भेजा हुआ, बड़े शरारती है ना, तो फिर आपको भी टाइम कर। अच्छा अच्छा बेटा, इस जगह पे कैसे रह गए आप? मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ बेटा। बस अल्लाह का शुक्र है, अच्छा गुजर बस रह जाता है। यकीन माने बेटा, मैं तो ऐसे समझती थी भी लोग के लिए ये जो है ना इल्जाम बनाया होगा, मैंने आज अपनी आँखों से देख रही हूँ
इस तरह के बे अल्लाह की मखलूक रह रही है और यकीन जाने कि मैं बहुत जो है ना देख के हैरान हूँ। इस वक्त में आज के दौर में इस हालात में रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, मगर आप लोग शुक्र और अल्लाह पर भरोसा करके माशाल्लाह खुश भी हुई है कि इस तरह भी अल्लाह पर भरोसा किया हुआ है, तवक्कल है अल्लाह पर जी रहे और इस हाल में ज़िंदगी बसर हो रही है। और सब मैं जो है ना अपने व्यूअर से कहूँगी जो इस बच्ची की जेल में सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, बहुत शुक्रिया, चैनल को देखा करें, बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं और ये मुस्तहिक लोग हैं, बहुत शुक्रिया। हमारा जो है ना इन ऐसे लोगों की सपोर्ट किया करें। देखिए जो शादी ब्याह करते हैं ना कंजरियां नचवाने के लिए, मिरासी गवाने के लिए ले आते हैं, उसके ऊपर पैसा निशावर कर देते हैं, बेशक, तो वो हलाल नहीं है। आपका देना भी हलाल नहीं है, उनका लेना हलाल नहीं है। बहुत मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर, क्योंकि मैं नबी पाक के मिलाद शरीफ पढ़ने वाली हूँ, माशाल्लाह, मैं नात खानी करती हूँ, तबलीग का काम करती हूँ, तो इनका जो मैं माहौल देखती थी ना, मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद जाकर देखूँ और मैंने देखा है। और अल्लाह पर भरोसा करें और मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने अपने आँखों को देख कर मैंने जो है ना आपको कहा है, बहुत शुक्रिया, जितना हो सके सपोर्ट करें और इनके चैनल का विजिट करें, जहाँ कहीं आप पैसा खर्च करें ये देखें कि आखिरत के लिए नफा बख्श है या नहीं। इन लोगों को अगर एक रुपया भी इनके ऊपर खर्च करेंगे ना, अल्लाह तबारक व ताला आपका जो है ना हिस्सा जन्नत में मिला देगा, आमीन, आप जन्नत में हकदार बन जाओगे। दुनिया चार दिन की है, ये पैसा, ये दौलत, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये जहाँ के हैं। आप जो है ना गरीबों के लिए कुछ किया करें और अल्लाह पाक आपको बहुत दे मेरी दुआ के लिए। अल्लाह ने जिसको बहुत दिया है, अल्लाह करीम हमें तौफीक भी दे इन जैसे लोगों की जो है ना हेल्प करने की। आमीन। आप जितना हो सके इनकी सपोर्ट करें, बस मैं इतना कहती हूँ। और बहुत अच्छे, मैं अभी लेट पहुँची हूँ तो मैं यहाँ आकर देखा है और अपनों से भी बढ़कर इन्होंने मोहब्बत बांटी है। बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा भी बहुत अच्छा है, मेहनत करता है, हलाल की मजदूरी और खून पसीने की मजदूरी करता है। बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत अल्लाह तबारक व ताला ने के रिस्क में बरकत अता फरमाए। आप दुआ भी करें और इनकी सपोर्ट भी करें। जो किसी के दुख में काम आता है तो अल्लाह पाक उनके दुख टाल देता है। आमीन, आमीन। जो किसी की परेशानी में जाता है, उनका हाल अवेला पूछता है, अल्लाह कभी उस पर परेशानी लाहक करता भी नहीं। आमीन, आमीन। कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितना भी करें इन गरीब लोगों की सपोर्ट करें। मैंने अपने आँखों से देख कर, मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ। मैं पहले सोचती थी शायद ये व्लॉग बनाने के लिए इस तरह का इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। बहुत मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, क्योंकि वो चाटी भी पड़ी है, ये चार पहियों और जो मैंने सब कुछ देखा है, मैं तो हैरान हूँ। ये दिन इनका कैसे गुजरता होगा, रात कैसी गुजरती होगी। बहरहाल कब्र से ये बेहतर है, कब्र अगर आप यहाँ पे इन लोगों के इस जैसे मुस्तहिक लोगों के लिए आप कुछ कर जाएंगे तो फिर आपके वो बंगले यहाँ के हैं, अगर यह चट्टान जैसी जिंदगी जो गुजारने वाले हेल्प करोगे, आपकी कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। आमीन, आमीन, आमीन। आपकी कब्र भी एक जन्नत के बागों में से बाग होगी। खुदारा बस में खेलता जाए, इन बच्चों के जितना हो सके सपोर्ट करें। अल्लाह करीम आपको बहुत दे, किसी का मोहताज ना करे। आमीन। व्यूअर्स, आप सबने बताना है सिस्टर जी से, अम्मा जी से मिलके आपको कैसा लगा। और अम्मा जी से पूछते हैं सबसे पहले, अम्मा जी मेरी फैमिली से मुझसे मिलके आपको कैसा फील हुआ। बेटा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी अच्छी हो। बहुत शुक्रिया मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो इंसान बड़ा होता है ना, बड़ा वो होता है जो इनके दिल बड़े होते हैं। जी बहुत शुक्रिया माँ जी। बंगलों में भी मैंने छोटे लोग, घटिया लोग देखे हैं, मगर इस चट्टान पे रहते हुए मैंने देखा है कि बहुत बहादुर और बहुत अच्छे लोग, बहुत अमीर, दिल के बहुत अमीर हो, क्योंकि मैंने देखा है आपको। बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद रोक दिया था, मगर आप फिर भी शिकायत कर रहे हो कि माँ जी हमें दुख है कि आपने खाने का नहीं बोला। बिल्कुल, मुझे पता है कि आज झाड़ी पे भी नहीं गए, मेरे इंतजार में रहे हो, मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है और खुशी। कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, आप इतना सफर करके आए हैं, आप लोगों ने ये अपनी मोहब्बत दिखाई है, तो आप सबके बेहद शुक्र गुजार हैं। और सिस्टर जी आपको कैसा लगा, आप कराची से चल के आई हैं हमें मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की हिम्मत को सलाम है कि आप लोग। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। अच्छा आप ना
आप आगे व्लॉग जो है ना वो करें, बंद करें, तो मैंने ना खुली गपशप करनी है। अच्छा 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 व्यूअर, ये देखे बेगम साहब आप बोर हो गई हैं, कहती हैं अब अपना व्लॉग बंद करें, मैंने खुली गपशप करनी है। चलें जी आप व्लॉग एंड करें। ऑलवेज आप लोगों ने बताना है कि आपको हमारे मेहमानों से मिलकर कैसा लगा है, आप लोगों ने कमेंट में लाजमन बताना है। और आज की व्लॉग का ना यही पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मा जी बेगम साहब ने व्लॉग का एंड कर दिया, और आप अपने चैनल का नाम बता दें। जी बेटा मेरे चैनल का नाम है डेली रूटीन डीजी खान। डेली रूटीन डीजी खान। व्यूअर्स आप सबने अम्मा जी के चैनल का विजिट करना है और अम्मा जी को सपोर्ट करनी है। और सिस्टर के चैनल का नाम है शाजिया बतूल ऑफिशियल्स। सिस्टर के चैनल का विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।